दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2022 में अपने 13 मुकाबले खेल चुकी है, बट अभी तक यहां पर पूरी तरह से ये बात तय नहीं है कि वो अंतिम मुकाबला जीत भी जाएगी तो यहां पर कैसे वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर भी पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो इसी के ऊपर दोस्तों आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों हम आपको प्लेऑफ्स कैलकुलेशन बताएंगे। ये प्लेऑफ्स की जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। काफ़ी सारे फैंस ने नीचे कमेंट किए थे वीडियोज़ में और इंस्टाग्राम पर भी पर्सनल मैसेजेस के थ्रू बातचीत की थी कि उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी है और ये आई एम श्योर आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ये वाली वीडियो के लिए। तो 5 प्लेऑफ्स कैलकुलेशन बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेऑफ्स कैलकुलेशन होने वाली है। पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप भी टीम केकेआर के बड़े वाले फैन हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। तो दोस्तों टीम केकेआर का कमबैक आप सभी जानते हो कैसे कैसे हुआ था, बट अब दोस्तों जो कैलकुलेशन हम आपको बता रहे हैं वो यहाँ पर आप पूरी से उसको नोट डाउन कर लो या फिर इस वीडियो को सेव कर लेना, आप बार बार ये देखते रहना जब तक सभी लीग मुकाबले खत्म नहीं हो जाते। तो बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात टाइटंस का, जब मुकाबला आरसीबी के अगेंस्ट होगा तो उसके अंदर गुजरात टाइटंस जीतनी चाहिए। पंजाब किंग्स का जब मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट होगा तो वहां पर पंजाब जीतनी चाहिए, पर जो जीत का मार्जिन है वो काफ़ी कम रहना चाहिए। अगर पंजाब थोड़े ज़्यादा मार्जिन से जीत जाती है तो पंजाब की नेट रन रेट अच्छी हो जाएगी केकेआर से। इसके बाद मुंबई इंडियंस का जो मुकाबला बचे हैं, एक दिल्ली से बचा है, एक हैदराबाद से बचा है, तो यहाँ पर दोस्तों मुंबई के घटिया परफॉर्मेंस अब हमें ये होना होगा दोस्तों, प्रे करनी होगी कि यहाँ पर दिल्ली को भी मुंबई हरा दे और हैदराबाद को भी मुंबई हरा दे। इसके बाद अब बचा एसआरएच का मैच, एसआरएच और पंजाब का लास्ट लीग मुकाबला है। तो अगर एसआरएच की टीम इस मुकाबले में पंजाब को हरा देती है और एक बड़े मार्जिन से हरा देती है तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा टीम केकेआर के लिए। और दोस्तों इन लास्ट ये सभी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी अगर 18 तारीख को केकेआर ने लखनऊ को नहीं हराया, तो ये जो कैलकुलेशन है इसी तरह से टीम केकेआर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। तो आई एम श्योर दोस्तों आपको ये कैलकुलेशन बहुत इजीली समझ आ गई होगी। आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताओ क्या आमी केकेआर है तैयार आईपीएल साल 2022 के प्लेऑफ्स में एंट्री करने को। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।